यूपी में पकड़े गए आईएसआई एजेंट राशिद अहमद ने एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। राशिद अहमद को आईएसआई के इशारों पर पश्चिमी राजस्थान में एक्टिव होना था और वहां उसे आईएसआई का नेटवर्क बड़ा करना था। आईएसआई की ओर से उसे ये टास्क दिया गया था और राशिद का प्लानिंग का ये हिस्सा था। आपको बता दें कि एटीएस ने राशिद को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। ये वाराणसी में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। राशिद अहमद दो बार पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले चुका था और बकायदा भारत की सूचनाओं के बदले उसे पैसे दिए जाते थे। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी में पकड़े गए आईएसआई एजेंट राशिद अहमद से एटीएस जो कि लगातार पूछताछ कर रही थी, पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके तहत तो पश्चिमी राजस्थान में एक्टिव होना भी था और वहां आईएसआई की ओर से उसे ये टास्क दिया गया था कि उसे आईएसआई का नेटवर्क बड़ा करना था। आईएसआई की ओर से उसे ये टास्क दिया गया और वहीं राशिद का प्लानिंग का ये हिस्सा भी था। आपको ये बता दें कि एटीएस ने राशिद को वाराणसी से गिरफ्तार किया था और ये वाराणसी में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था।